नमस्कार। आम खाने से केवल आपको फ़ायदे हो, नुकसान ना हो, तो मैं पांच इंपॉर्टेंट आपको सावधानियां और नियम बताऊंगा, जिससे कि आपको केवल बेनिफिट हो। क्योंकि एक MBBS MD डॉक्टर होने के नाते मेरा ये वो बनता है कि मैं आपको अच्छी तरह से बताऊं। तो अगर हम बात करें एक एक सिस्टम की, एक तो आम खाने से स्किन का ग्लो बढ़ता है हमारा, क्योंकि कोरिया में एक स्टडी हुई, रिसर्च हुई कि ये अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करता है। आम के अंदर जो कंपाउंड है वो अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करते हैं और स्किन का ग्लो बढ़ता है, स्किन की झुर्रियाँ दूर होती हैं, इसलिए आम ज़रूर यूज़ करें। दूसरा, अगर हम सिस्टम वाइज बात करें तो जो हमारे लंग्स हैं, तो लंग्स में भी इसमें एंटी एस्मेटिक रोल होता है आम का, जो दमे की शिकायत से बचाते हैं और सांस हमें अच्छी तरह से आती हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी अच्छी मात्रा में होती है। दूसरा, अगर हम लीवर की बात करें तो जो हमारा लीवर है इसकी भी हेल्थ को भी आम इम्प्रूव करते हैं। हेपेटो प्रोटेक्टिव रोल होता है आम का, क्योंकि इसमें अच्छी क्वालिटी के फाइबर्स होते हैं, पेक्टिन होते हैं, जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं अच्छे फाइबर्स, वो इसकी हमारी पाचन ठीक रहता है। फिर अगर हम लीवर की बात करें तो पके हुए आम अगर हम खाएंगे, अच्छी क्वालिटी के आम खाएंगे, तो लीवर में पाचन जो हमारा पेट है इसमें असर नहीं होते और इसका हेल्थ, पेट की हेल्थ भी हमारी ठीक रहती है, डाइजेशन ठीक रहता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिनको डायबिटीज़ है, जिनका पैनक्रियास प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो उसमें डायबिटीज़ की कंडीशन में अगर कंट्रोल डायबिटीज़ है, अगर वो सुबह जल्दी उठे और योग करे सुबह और फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो, फिर आम खाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए आम डायबिटिक लोग भी ले सकते हैं, नेचुरल शुगर इतना नुकसान नहीं देती, तो आम ये भी करें, पैनक्रियास की हेल्थ भी हमारी अच्छी रहेगी और ओवरऑल डाइजेशन भी ठीक रहेगा। उसके बाद अगर किसी के ए इसमें अच्छी मात्रा में होता है आम में, तो विटामिन ए का उपयोग करने से आंखों की हेल्थ हमारी बड़ी अच्छी होती है, आंखों की शाइनिंग अच्छी होती है, आंखों में खुश्की नहीं होती और आंखों की ज्योति बढ़ती है, रोशनी बढ़ती है, ज़ीरोथैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस नाम की दिक्कत नहीं होती, इसलिए भी करें। फिर दिमाग के लिए भी जब स्टडी हुई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी में रिसर्च हुई और थाईलैंड में भी स्टडी हुई कि आम का न्यूरो प्रोटेक्टिव रोल होता है, ब्रेन का के लिए बड़ा एक टोनिक का काम करते हैं आम, क्योंकि इनके अंदर ग्लूटामेट और विटामिन B12 होती है, जो कि स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कैरियर की जिनको लगन है, तो उनके लिए बड़ा ही अच्छा रहता है, उनकी मेमोरी बढ़ती है आम का यूज़ करने से, तो मेमोरी बढ़ती है, ओवरऑल मेमोरी बड़ी अच्छी रहती है उनकी। और अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो सुबह मेहनत करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उनका वेट भी बढ़ सकता है, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आम भी ले लें तो उनके लिए अच्छा रहता है। और जो बुजुर्ग हैं उनकी भी मेमोरी बढ़ती है और उनको नींद बड़ी अच्छी आती है, आम से सबको नींद बड़ी अच्छी आती है, तो आम का उपयोग करें। इसके अलावा थायराइड जो है हमारी, ये थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड की भी हेल्थ अच्छी होती है आम से। और जो डिफरेंट आयुर्वेदिक मेडिसिंस हैं उनमें आम का एक बहुत बड़ा उसमें योगदान होता है, कंपोनेंट होता है आम। फिर अगर हम बात करें बालों की, तो बालों की हेल्थ भी हमारी अच्छी होती है, हमारे बाल डेंस और बड़े शाइनिंग बाल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोलेजन की सिंथेसिस के लिए विटामिन सी होती है। अगर हम हड्डियों की बात करें तो हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस और अनेक पोषक तत्व होते हैं और आर्थराइटिस से भी बचा होता है, अगर हम लिमिटेड इसका यूज़ करें आम का। फिर इम्यूनिटी भी, बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है वो भरपूर मात्रा में होती है इसमें। फिर आम गर्मी से बचाते हैं, लू लगने से बचाते हैं, हीट स्ट्रोक से बचाते हैं, अगर हम कच्चे आम का पाना बना के लें। दूसरा, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इसी आम की बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें एंटी कार्सिनोजेनिक मैंगीफेरिन नाम का एक कंपाउंड होता है, जो कि कैंसर नहीं होने देता, चाहे ब्रेस्ट का कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट का कैंसर हो, चाहे लीवर का कैंसर हो, चाहे हमारे कोलन का कैंसर हो या प्रोस्टेट का कैंसर हो, सभी तरह के कैंसर से बचाता है हमें। फिर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी आम की, अगर हम देखें तो आम का एक पेड़ 200-300 साल तक रहता है, भगवान बुद्ध ने तो उनके नीचे बैठ के तपस्या भी करी जगह जगह जाके, तो इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। इसमें टार्ट्रेट, मैलेट, साइट्रेट नाम के बड़े एल्कलाइन कंपाउंड होते हैं, जो कि बड़े हेल्पफुल होते हैं। इन सारे लाभ जो मैंने 20 आपको बेनिफिट बताए हैं, इनका बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप इन इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक तो आप देखें कि आम कब खाएं, तो आम नाश्ते के 1-2 घंटे बाद खाएं या दोपहर के खाने के 1-2 घंटे बाद खाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। फिर आम कब ना खाएं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो खाली पेट आम ना लें, जैसे जामुन नहीं खाते हम खाली पेट, आंवला नहीं खाते, इसी तरह से खाली पेट आम भी ना लें। फिर दिन में 1-2 आम खा लें तो अच्छा रहेगा। अगर कोई ज़्यादा आम लेना चाहता है तो वर्कआउट अच्छा करें, फिर 3-4 आम भी ले सकते हैं, जो कसी चलाते हैं, जो सुबह रनिंग करते हैं, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, वो 3-4 आम भी ले सकते हैं, मीडियम साइज़ के आम ऐसे, जैसे लंगड़ा आम है, जैसे दशहरी आम है। और फिर आम कैसे खाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जैसे चौसा आम है और ये ठिंगा आम है, इनको चूसे खाएं, इनमें अच्छी क्वालिटी के फाइबर्स होते हैं, अगर हम चूस के आम खाएंगे तो आम हमारी सलाइवा के साथ मिक्स होता है, तब उसका ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर हम काट के खाते हैं आम, तो आम काट के खाने से थोड़ा सा वेट बढ़ने के चांस रहते हैं, तो जिनको वेट का कंसर्न है तो वो चूसे आम खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा आम का जो ऊपरी हिस्सा है, इसका 1 इंच हिस्सा पहले काट दें तो अच्छा रहेगा, इसमें एल्कलाइन मैटर बहुत ज़्यादा होता है, क्षारीय तत्व होता है बहुत ज़्यादा, तो जिससे कि कई बार गला पकड़ा जाता है, तो 1 इंच
3 जैसा काट दें, फिर आम को फ्रिज में रखे ना खाएं। जैसे किसी भी फल को फ्रिज में रखे ना खाएं, आम को 1-2 घंटा पहले पानी में डुबो दें, फिर उसको लेंगे तो उसकी सारी गर्मी निकल जाती है, फिर उसका केवल फायदा मिलता है, हमें नुकसान ही होता है, ये ध्यान रखें। उसके बाद आम खाने के बाद क्या खाएं, आम खाने के बाद जामुन खा सकते हैं, फिर कच्ची लस्सी भी पी सकते हैं जिससे कि आम का हमें फायदा मिले। और दूसरा, आम खाने के बाद क्या ना खाएं, तो किसी भी फल की तरह से आम के बाद पानी ना पिएं, आम के बाद कोल्ड ड्रिंक तो कभी भी नहीं लेनी चाहिए, वैसे भी लेनी चाहिए और ना लें, और फिर आम के बाद स्पेशली करेला ना खाएं, हरी मिर्च या लाल मिर्च ना खाएं, दही ना लें, रायता ना लें, ये विरुद्ध आहार हैं, तो इसका नुकसान उठाना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ कच्चे आम के बारे में, जो कच्चा आम है बड़ी कम मात्रा में ही लें, इसको आम पानी के रूप में ले सकते हैं, थोड़ा सब्जी में डाल सकते हैं, चटनी के रूप में ले सकते हैं, अदरवाइज वैसे कच्चा आम रूखा ना खाएं, क्योंकि ये पित्तवर्धक होता है, इससे एसिडिटी होती है, अल्सर होते हैं, मुंह के छाले हो सकते हैं, फोड़े फुंसी हो सकते हैं, सोरियसिस और फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा मिलता है कच्चा आम खाने से, क्योंकि ये पित्तवर्धक है, और जोड़ों का दर्द भी कई बार बढ़ सकता है। और इसी तरह से प्रेगनेंसी में भी, जैसे कोई भी कच्चा फल नहीं खाना चाहिए, तो कच्चा आम भी प्रेगनेंसी में ना खाएं। और अब मैं बताता हूँ आपको कि ज़्यादा आम खाने से क्या नुकसान हो सकता है, जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो उनको दिक्कत हो सकती है, तो पहले डायबिटीज़ कंट्रोल के तभी हम आम खाएं। दूसरा, किसी को ऑलरेडी किसी को लूज मोशन से लगे हुए हैं तो वो उसकी आम की गुठली तो पका के ले सकते हैं लस्सी के साथ, लेकिन वैसे आम ज्यादा ना लें, 10 में आम ना खाएं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगर किसी को आम से एलर्जी है तो वो भी उससे बचाव कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप संशय रहित हो गए, बिल्कुल डाउटलेस आम खाएंगे, आपको फायदा मिलेगा। जैसे मैं बिजी रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी बिजी रहें, इस सेशन को पूरा देश विदेश में शेयर करें, जिससे कि सब लोग नॉलेजफुली आम खाएं, उसका केवल फायदा ही उठाएं, उनको नुकसान ना हो। एक डॉक्टर का काम केवल इंजेक्शन लगाना है, ऑपरेशन करना ही नहीं है, समाज को स्वस्थ रखना और समाज को जागरूक करना ये काम है। तो जैसे मैं निभा रहा हूँ, आप भी काम निभाएं। और मैं तो ये मेरा फ़ोन नंबर भी है, अगर आपको कॉन्टैक्ट करना हो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं कनाल प्लस पे भी टाइम टाइम पे लाइव होता रहता हूँ, और अपना जगदम्बा बेबी केयर का जो मेरा यूट्यूब का चैनल है इस पर भी लाइव होता रहता हूँ, समय मिले तो आप इसमें देखें। थैंक यू।